हमारे लोग भी हमारे विधायक जी हैं, इनके प्रति पूर्ण निष्ठा और पूर्ण आस्था आस्था व्यक्त करते हुए मैंने आज ये अपना निर्णय लिया है। और रही बात इसकी कि मैंने और ये जो बात आप कह रहे हैं कि मैंने अपनी राजनीति, आपने क्या पूछा राजनीति? हमने जो पूछा था एक मिनट, जो प्रश्न आपसे कि आपने कहीं ना कहीं अपने 15 साल का राजनीति की जो कमाई हुई पूंजी है आज पुनीत सिंह परिहार को समर्पित की है। मैंने अपना समर्पण भारतीय जनता पार्टी को किया है। तो फिर क्या से तो मेरी राजनीति अभी आपने कहीं ना कहीं अपनी एक नहीं उनको बनाया है या बनाने के लिए अपने आप को समर्पित किया है, ये आगे बढ़ क्या है, आपका बड़ा कौन है? मैंने अपनी निष्ठा अपनी पार्टी के प्रति व्यक्त की है और मैंने अपने यशस्वी सांसद जी और विधायक जी के उनका आदेश का मैंने पालन किया। ठीक है, आपने आज पार्टी के लिए आस्था जताई है, देखिए पार्टी ने भी आपको कहीं ना कहीं एक आश्वासन दिया होगा कि आपको आज आप समर्पण कर रही हैं पार्टी के लिए, आज जो आपने त्याग किया उसको पार्टी भूल नहीं पाएगी, क्योंकि ऐसे ही कोई अपना समर्थन वापस नहीं लेता। आपका 15 साल का राजनीतिक कैरियर है, पार्टी जब मुझे मेरे लिए मुझे कुछ सोचेगी, अगर मुझे जुझारू कार्यकर्ता मानेगी, मुझे कहीं अगर मिलेगा उसका आश्वासन तो मुझे बिल्कुल उसकी भी मैं तहे दिल से उसको स्वीकार करूंगी और मैं स्वागत करूंगी उसका। पालघर की जनता जानना चाहती है कि जो आपने आज निर्णय लिया है इसमें आपने पार्टी की आस्था थी और दूसरे पार्टी ने क्या आपको यह आश्वासन दिया है कि आपको इससे भी बेहतर कोई पद दिया जाएगा? बिल्कुल, पार्टी सांसद जी ने कहा है, विधायक जी ने भी कहा है कि हम आपको आप कर्मठ कार्यकर्ता हैं और पार्टी में हम आपको कहीं ना कहीं किसी से स्थान देंगे। आप पालघर की जनता के लिए क्या कहेंगे जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपके इन अल्फाजों को सुनने के लिए कि मुक्ता जी ने इस नगर निकाय चुनाव से इक्विट किया है? तालबेहट नगर में हमेशा कहती हूँ, तालबेहट नगर में मैं बहू बनकर आई थी लेकिन मैंने बेटी बनकर काम किया। मैं 15 साल मैंने अपने पूरी लगन के पूरे समर्पण के साथ काम किया और मैं पूरी जनता से यही आज मेरी निवेदन है कि मैं मुक्ता सोनी, मेरा ये घर है, घर छोड़ के कोई बहू बेटी कहीं जाती नहीं है, मैं आखिरी सांस तक यहीं रहूंगी और मेरी समाज सेवा अनवरत आखिरी सांस तक यूं ही चलती रहेगी। आप घर घर में जीवंत है मुक्ता जी, कैसी बात कर रही हैं आप? इस घर का कोई ऐसा घर नहीं है इस तालगढ़ का जहाँ पर मुक्ता सोनी का नाम ले लिया जाता हो, इससे बड़े आपके लिए फक्र की बात हो क्या हो सकती है? बस मैं अपनी पूरी बहनों से बेटियों से यही कहूँगी कि बस जो मैं हमेशा कहती हूँ बिरंडा महारानी लक्ष्मीबाई के उन पचनों पर चलिए, कर्मयोगिनी की राह पर चलिए। एक आखिरी सवाल आपका, आपने जो समर्पण किया आप पुनीत सिंह परिहार के पक्ष में, भैया भाजपा के पक्ष में बैठी हैं, क्या पुनीत सिंह परिहार के लिए आप काम करेंगे, पक्ष में वोट मांगेंगे? कल देखते हैं, आज मुझे मेरे परिवार के साथ समय बिताने दीजिए, कल से मैं बताऊंगी। चलिए, ये थे मुक्ता जी जिन्होंने जन सरोकार से जुड़ी हुई आवाज़ द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।